विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। चलिए राजाधिनाथ, एक नगर में एक रिवाज था, जो भी उस नगर का राजा बनता था, राजा बनने के पश्चात 5 साल आपको जितनी मौज मजा मस्ती करनी आप कर लो, लेकिन 5 साल के बाद हर राजा को एक सजा मिलती थी। 5 साल की मजा के बाद एक सजा सुनाई जाती थी, और वो सजा थी कि हर राजा को बिल्कुल बैंड बाजा के साथ, ढोल धमाके के साथ, गाजे बाजे के साथ, और पूरा नगर राजा को छोड़ने के लिए, और नगर के जो लाश की जो सीमा होती है वहाँ तक जाते थे, और उस सीमा के बाद तुरंत एक बहुत बड़ा भयानक जंगल लगता था, और उस राजा को वो जंगल के अंदर छोड़ दिया जाता था। आखिर में उस राजा को जंगली प्राणी फाड़ कर खा जाते थे। हर राजा का अंत ऐसे ही होता था। बहुत साल निकल गए, 5 साल लोग सोचते थे यार 5 साल तो एंजॉय करने को मिलता है, मौज मजा करने को मिलता है, बहुत हो गया, देखे आगे का देख लेंगे। 5 साल तो देखते देखते पूरे हो जाते थे, और फिर जब उस राजा को सब नगर के लोग जब लेकर जाते थे, तब हर राजा के आंख में आंसू होते थे। अरे ये क्या हो गया, 5 साल तो कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, और अब मुझे ये सब अभी जंगल में छोड़ देंगे, और वहाँ तो मुझे बस मरना ही मरना है, और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास, तो अब वहाँ पर मुझे जंगली प्राणी मुझे खा जाएंगे, फाड़ देंगे, अब मेरा क्या होगा क्या होगा। लेकिन ऐसे होता था। एक बार ऐसे हुआ, एक व्यक्ति राजा बना। राजा बनने के बाद और 5 साल जब पूरे हुए, आज तक जो भी राजा ने विदाई ली सबके आंख में आंसू थे, ये बंदा कुछ अलग ही निकला। ये रोने की जगह हंस रहा है, हंसते हंसते उसकी विदाई हो रही है। सब लोगों का आश्चर्य हुआ, देखो लोग भी कैसे विचित्र होते हैं। अभी सबको यही उम्मीद होती है, एक मन में ऐसी अपेक्षा होती है, आज तक सब रोके गए तो ये क्यों हंस के जा रहा है, इसने भी तो रोना चाहिए कि नहीं। लोग भी कैसे होते हैं पता है आपको, कि कोई अगर रो रहा है तो उनको बड़ी खुशी मिलती है, कोई हंस रहा है तो उनको बड़ी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, ये कैसे हंस सकता है। इसलिए तो हम सभी की मेंटेलिटी ऐसी है, हमें सनराइज पॉइंट में कभी इंटरेस्ट नहीं होता है, हमें हमेशा सनसेट पॉइंट में इंटरेस्ट होता है। सूर्य जब उगता है देखने वाले कितने होते हैं, लेकिन सूर्य डूबता है, डूबने वाले को देखने में बड़ी हमको मजा आती है। और यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि उस राजा को जब लेकर जा रहे थे, तब राजा हंस रहा है और पूरे नगर के लोग आश्चर्य में, अरे ये क्या ये क्या ये क्या क्या बात है, पूरा चर्चा का विषय बन गया कि ये राजा तो बड़ा विचित्र लग रहा है, इसके आंख में आंसू नहीं, वो हंस रहा है, वो हमारे सामने ऐसे ऐसे देख रहा है, नहीं तो आज तक के सब राजा नीची मुंडी करके और सब ऐसे रोते रोते जाते थे, लेकिन ये एक ही बंदा पहली बार ऐसे मिला, हंसते हंसते विदाई ले रहा है। जरूर इसके पीछे कोई राज तो होना चाहिए। आखिर में जब सीमा आई तब सबने पूछा कि महाराज एक बात पूछे, बोलो ना क्या हुआ, बोले आपके आंख में आंसू नहीं, जब आपको पता कि आपको जंगल में जाना है तो फिर आपके आंख में आंसू क्यों नहीं है, आपको कुछ डर नहीं लग रहा है कि आपको जंगली प्राणी खा जाएंगे, मार देंगे आपको, आपको कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि सबकी तो यही स्थिति हुई है, जो स्थिति सबकी हुआ आपकी होने वाली है। राजा ने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हो कि मेरी ऐसी स्थिति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप क्या कोई जादू की लकड़ी, इलम की लकड़ी लेके आए हो क्या, तो आपको क्यों डर नहीं लग रहा है? बोला नहीं, मैंने कहा ना मुझे कोई डर नहीं, आई एम फियरलेस, मुझे कोई डर नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि सब बाकी के सब राजाओं ने 5 साल मजा की और इसीलिए उनको यह सजा भुगतनी पड़ी, जबकि मैंने 5 साल में मैंने मजा नहीं, मैंने इतना काम किया है जो आपको किसी को पता ही नहीं है। मतलब कौन सा काम किया, अब रुकिए आपको चमत्कार देखने को अभी मिलेगा। और थोड़ी देर हुई, जैसे वो सीमा से पार हुए और उतने में सामने से इतना सारा मॉब आया, यानी इतने सारे लोग ढोल धमाके के साथ इस राजा को लेने के लिए आए। ये सब इस नगर के लोग सोचते कि ये कहां से इतने लोग आए,
और वो भी बिल्कुल ढोल ढमाक के साथ, बैंड बाजे के साथ, गाजे बाजे के साथ, ये किसको लेने के लिए आए। और जैसे उस राजा ने सीमा, ये सीमा छोड़कर उस सीमा में प्रवेश किया, जंगल की सीमा में, और सब वहां से इतनी भीड़ उमड़ पड़ी और सभी वो राजा का जय जयकार करने लगे, राजा को उठा उठा कर नाचने लगे, जोर जोर से ढोल बजाने लगे। यहाँ इस नगर के लोग सोचते कि ये क्या आश्चर्य है, कुछ समझ में नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ ये। तब राजा ने खुलासा किया कि मेरे प्यारे नगरजनों, ये देखो कि मैंने 5 साल के अंदर मैंने भविष्य की चिंता की, मैंने वर्तमान को नहीं देखा, मैंने भविष्य को देखा कि ये 5 साल जो मेरे हाथ में जो मुझे मिले हैं, मुझे इसे बर्बाद नहीं करने, मुझे खाने पीने में, अमन चमन में, भोग विलास में नहीं, मुझे अब ये देखना कि 5 साल के बाद मुझे जहां जाना है तो मुझे वहां की चिंता भी करनी चाहिए। और मैंने इन 5 सालों के अंदर एक सीक्रेट मिशन चलाया जो किसी को भी पता नहीं है। मैं गुप्त वेश में मैं वहां पर जंगल में जाता था कि जहां पर मुझे अब सालों साल रहना है, और मैं वहां जाकर मैंने आदिवासियों से परिचय किया, मैंने आदिवासियों को मेरे साथ में लिया, मैंने उन सभी को समझाया और मैंने उन सभी को साथ में लेकर और अब जंगल में भी मंगल खड़ा कर दिया, अब जंगल में भी एक महल बना दिया, वहां पर एक दूसरा नगर मैंने बसा दिया, इन सभी गरीबों के लिए मैंने सुविधा मैंने तैयार की। और आज देखो तो मैं 5 साल मैंने यहां राज किया, अब मुझे पता है कि भी 50 साल मुझे वहां से कोई निकालेगा नहीं, 50 साल मैं वहां पर एक नए नगर में राज करूंगा, और सिर्फ नगर में ही नहीं, इन नगर जनों के दिल पे भी मैं राज करूंगा। कितनी सोची समझी, और इस राजा की ये जो चतुरता थी, ये जो शातिरता थी, कि राजा ने वर्तमान का ही नहीं भविष्य का विचार किया कि नहीं भविष्य में मुझे जहाँ जाना है उसकी चिंता मैं अभी से करूँ। वानिया बुद्धि इसी को कहते हैं, वणिक बुद्धि, व्यापारी बुद्धि इसी को कहते हैं। सिर्फ वर्तमान का मत देखो, आपको भी छोटी सी जो जिंदगी आपको मिली है ना, ये मानव की जिंदगी, सिर्फ आप वो मत देखो कि ये आ भव मीठा अने पर भव कोने दीठा, ये भव हमको मिला है तो ये खाओ पीओ जलसा करो यार, अगले जन्म का देख लेंगे। नहीं, अगले जन्म को सुधारने के लिए अभी से आपको कोशिश करनी होगी, अभी से आपको साधना का मार्ग ढूंढना होगा, अभी से आपको तप और जप में अपनी काया को, अपने मन को उसमें आपको लीन बनाना होगा, तब जाकर आप भविष्य में कुछ कर पाएंगे। जैसे आपके घर के अंदर अगर आपका बेटा अगर SSC बोर्ड में 10वीं या 12वीं अगर वो अगर पढ़ रहा है, तो आप भी यही कहते कि बेटा एक साल नो मोबाइल, नो गेम्स, नो पिक्चर्स, नो मूवीज, नो पबजी, कुछ नहीं, बस ये एक साल तेरा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ ले, तेरे मम्मी पापा की बात सुन ले, तू एक साल मेहनत करेगा ना बेटा, तेरे सालों साल सुधर जाएंगे, और एक साल तेरा इतना इंपॉर्टेंट साल है, अगर तूने इस साल अगर तूने मिस किया, स्टडी मिस की, और बच्चों के साथ आवारागिरी की, आपके फ्रेंड्स के साथ खाना पीना रेश आराम करना TV और ये मोबाइल, और उसी में अगर तूने अगर तेरा साल बिगाड़ दिया तो तेरा फ्यूचर पूरा खराब हो जाएगा बेटा, समझ के रखना, माँ बाप की इतनी बात तो सुन लेना। जिन जिन बच्चों ने अपने बाप की आज्ञा का पालन किया, एक साल पुस्तक के कीड़े बन गए, वो सभी कहां से कहां पहुंच गए, आज दुनिया उनको सैल्यूट करने लगी, क्योंकि उन्होंने वो करके बताया, वो मेरिट में आए और उनको अच्छी अच्छी कॉलेज में एडमिशन्स मिले। और जिन्होंने सिर्फ खा पी के ऐश आराम की जिंदगी जी ना, वो 10वीं की ऐसी की तैसी, 12वीं की ऐसी की तैसी, कॉलेज की ऐसी की तैसी, आज वो सब भूखे मरने का उनका अभी ये वो उनके दिन चल रहे, क्या करे, किधर नौकरी नहीं है, किधर कुछ जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आखिर में इसीलिए तो हमारे परमात्मा ने यही कहा है कि भविष्य का भी आप सोचो, खनम जाना ही पंडिया, जो क्षण को जानता है, जो अपने भविष्य को जानता है वो पंडित होता है। आपको भी पंडित बनना चाहिए। हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है मुझे बताइए, हमारे युवाओं का फ्यूचर क्या है, हमारी युवतियों का फ्यूचर क्या है। जब हम इन बच्चों को देखते हैं ना, कभी कभी गोची हो रहे, जब घर में जाते हैं हम देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरे दिन देखो तो उनके हाथ में भी मोबाइल, या तो TV के सामने बैठे कार्टून देखते रहते हैं, तो या तो फिर देखो तो मारा मारी करते रहते हैं, यही सब दिमाग में चल रहा है। अगर युवाओं को देखो तो क्या करते युवा, हमारे यही सब भोग विलास की जिंदगी जी रहे हैं, न तो कोई लक्ष्य है, न कोई जीवन के अंदर कोई उल्लास है, न कोई उत्साह है, निरुत्साही ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं, सिर्फ ये धपकार चल रहा है, बाकी अंदर में कोई संवेदना नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है, सब
कुछ खत्म कर दिया है। ये जिंदगी किस काम की, किस काम की? हमारे महापुरुषों को आज कौन पहचानता है? कहां कौन थे वस्तुपाल तेजपाल, कौन थे धन्नाशाली भद्र जी? आज के युवाओं को पूछो आप, चार सवाल तो पूछो उनको, कुछ नहीं आएगा। अमुत्ता मुनि कौन थे, वज्र स्वामी जी कौन थे, नहीं आएगा उनको पता ही नहीं। उनको कौन, उनको उनको उनके आइडल्स अलग है, उनके हीरो हीरोइन अलग है, और उसी दुनिया में वो इतने तो उतर चुके हैं अंदर, बिग बॉस की दुनिया में चल रहे हैं। क्या बिग बॉस में है क्या लड़ाई झगड़ना? वही तो जब आप देखते हैं तो आपको इसके साथ क्या देखने को मिलता है, कितना राग द्वेष होता है इन सीरियल्स में, इन पिक्चरों में, वही तो सब कुछ बताते हैं और आपके मन को खराब करने का काम करते हैं। और आप भी वो देख देख कर इडियट बॉक्स के सामने बैठ बैठ कर आपका दिमाग भी सड़ गया है। आईपीएल देख देख कर कई जन ने को, साहब जी अभी आईपीएल चल रही है ना, मैंने पूछा क्या आप प्रवचन सुनते हो, मतलब साहब जी सुनते थे पहले, अभी आईपीएल चल रही है ना इसलिए अभी थोड़ा मिस होता है। कभी किसी बहन को पूछता हूं जो हमारे वंदन करने के लिए आती है, प्रवचन सुनते हो, तो कहते गुरु जी प्रवचन तो पहले सुनते थे लेकिन अभी क्या नई सीरियल आ गई है ना, और इसलिए प्रवचन थोड़ा सा बाजू में कर दिया है। प्रवचन तो बाद में भी देख सकते, सीरियल बाद में नहीं आएगी। अभी क्या आपको पंचायत करने के, उसके घर में क्या हुआ, उस देवरानी ने क्या, देवरानी ने क्या किया, जेठानी ने क्या किया, सास ने क्या किया ना, बहू ने क्या किया, उनके घर की पंचायत आप क्यों आपके घर में लाते हैं, आपके मन में क्यों वो सब बातें लाते हैं? और उसी की वजह से आपके घर में भी आज रामायण और महाभारत घर घर में, वजह यही है कि आप नहीं देखने जैसा देखते रहते और फिर नहीं सोचने जैसा सोचते रहते हैं, और इसी की वजह से आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी तबाह हो चुकी है, तबाह। और इसीलिए मैं भी आपको आज कुछ कहना चाहता हूं, हमारे मन में भी यही विचार आया था और हमने शत्रुंजय गिरिराज के सानिध्य में संकल्प लेकर, शाश्वत महातीर्थ में संकल्प लेकर, इन युवाओं के लिए, इन बच्चों के लिए, भविष्य के लिए हमने सोचा, अगर ये सब सोशल मीडिया के जमाने में रहते हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना आ चुका है, वन पिक्चर इज वर्थ मोर देन 10,000 वर्ड्स, कि अगर हम कितना भी भाषण, कितना भी व्याख्यान, कितना भी प्रवचन देंगे, कितना भी हम वक्तव्य करेंगे, उससे अच्छा अब उनको कुछ बताओ। और इसीलिए हमारे कुछ कार्यकर्ता, हमारे टीम ने, हमारे ट्रस्टियों ने मिलकर एक ऐसी सोच से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आठ नहीं, दस नहीं, पूरी 12 फिल्म बनाई, 12 एनिमेशन फिल्म, जो हमारे महापुरुषों के जीवन से संकलित है, जीवन से आधारित है। ऐसी एनिमेशन करोड़ों की लागत लगाकर और ये 12 फिल्म हमने बनाई। हमारे मुंबई के कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म का पूरा प्रायोजन किया, और जब मैं पालीतना मेरा जाना हुआ और 5 साल में वहां पर रुका, उस इन बिटवीन, और जब ये सब फिल्मों का काम पूरा हुआ, एक से बढ़कर एक 12 फिल्म, नमकार महामंत्र के आराधक ऐसे अमर कुमार, ये पहली फिल्म, दूसरी फिल्म थी वीर वंकचूर, जिन्होंने 4 नियम के प्रभाव से, और किस तरह से उन्होंने अपनी रक्षा, अपनी माता, अपनी बहन और पत्नी की रक्षा, और अपने नियमों की रक्षा कर, और जिस तरह से उन्होंने 4 नियम मरते दम तक पालन किए, वीर वंगचूल की कहानी, अमर कुमार, वीर वंगचूल, वस्तुपाल, तेजपाल, भरतेश्वर, बाहुबली, महाराजा चिवदया प्रेमी कुमार पाल, अमुत्ता मुनि, वज्र स्वामी जी, श्रवण कुमार, मेघ कुमार, हाथी के भौ में एक खरगोश को बचाने के लिए किस तरह से उन्होंने महापराक्रम किया था, ऐसे मेघ कुमार की कहानी, और वो एक तिलक के लिए, वो मंत्रीश्वर कपर्दी के सानिध्य में हमारे जैनों ने उस पापी अजय पाल के दरबार के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने तेल के अंदर और अपनी आहुति दी, हमारे जैनों ने आहुति देकर भी और अपने जैन तिलक को अमर बनाया, वो महामंत्री कपर्दी, और साथ साथ में शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर जो बागिन ने कब्जा जमाया था, और उस बागिन को खदेड़ने के लिए एक भावसार, जन्म से जैन ना होते हुए भी एक भावसार ने जिस तरह से हाथ में, भाभी के हाथ से धोखा लेकर, कपड़े धोने का धोखा लेकर उस बागिन के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा, वो वीर विक्रम सिंह, और उस बागिन को खदेड़ते खदेड़ते वो भी मर्ग शहीद हो गया, और उस बागिन को भी, दोनों मर गए युद्ध के अंदर। तो लेकिन वो आज वाघन पोल आज भी हमारे समक्ष खड़ी है, ये सब इतिहास भरी ये कहानी है, 12 फिल्म्स, और वो सब आपके सामने नजदीक के भविष्य में वो भी आपको दिखाई जाएगी, आपके
गांव में अगर पाठशाला चलती है और पाठशाला में बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं, कई हमारे जैन स्कूल या अजैन स्कूल भी क्यों ना हो, कहीं पर भी अगर ये प्रोजेक्टर शो अगर करना है, 12 फिल्म प्रोजेक्टर शो करना है, तो आप जरूर हमारा संपर्क कर सकते हैं। जब सब कुछ ओके हो जाएगा, हमारे कार्यकर्ता आपके यहाँ पर आएंगे, ये सब फिल्म्स आपको बताएंगे, आपको भी आपके बच्चों को भी, अगर ये देखने के बाद उनके विचारों में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन तो वाणी में भी परिवर्तन, तो आचार में भी और अपने जीवन में भी परिवर्तन, और उनका आइडल चेंज हो जाएंगे। नहीं हमको भी अभी हमको भी आमिर खान नहीं, सलमान खान नहीं, शाहरुख खान नहीं, अभी हमें भी अयमुतर वज्र स्वामी बनना है, हमें भी वस्तुपाल तेजपाल कुमार पाल बनना है, और ये संकल्प आपके बच्चों के दिमाग के अंदर आपको लाना है, आपको उनको संकल्प बद्ध बनाना है, और इसीलिए आपको ये सब फिल्म, हमारे इस सभी फिल्म का लाभ जिन्होंने लिया है, मैं उनको तहे दिल से मैं उनको याद करना चाहता हूं। वो हमारे वालकेश्वर मुंबई के वो इतने उदार दिल कि जिन्होंने सभी फिल्मों का लाभ उन्होंने लिया, और वो हमारे शैलेंद्र भाई घिया परिवार, सुशीला बेन शैलेंद्र भाई घिया परिवार, इन दोनों पत्नी पति पत्नियों को, इन सच में मैं श्रावक श्राविका को मैं धन्यवाद जाहिर में देना चाहता हूं कि जिन्होंने एक क्षण का भी विचार किए बिना सभी फिल्मों का लाभ इस परिवार ने लिया। आप देखेंगे, ट्रेलर भी देखो, आप जो कुछ अभी देख रहे इस परिवार के भी दर्शन करो, और उनको आप बहुत बहुत तहे दिल से उनकी अनुमोदना करो, उनके जीवन में उन्होंने जो जो भी नए काम किए हैं उन सभी की हम अनुमोदना करते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एजुकेशन के लिए, साधर्मिक भक्ति के लिए, गरीब बच्चों को स्वेटर दिलाने के लिए, टेबल स्कूलों में अलग अलग गरीब बच्चों के लिए टेबल लिखने के लिए ताकि वो बैंड ना हो जाए कमर से, उसके लिए आज तक करोड़ों करोड़ रुपए खर्च जो शैलेंद्र भाई ने किए हैं, और सच में और साथ साथ में अभी वैयावज भक्ति के लिए भी जो उन्होंने एक मशीन एक लाया है कि कोई भी गुरु भगवान को की तकलीफ हो तो ऑनलाइन आपका पूरा चेकिंग हो सकता है। ऐसे बहुत जबरदस्त उदार दिल के ये महापुरुष है हमारे शैलेंद्र भाई घिया, उनको भी हम अभिनंदन करते हुए, उनकी अनुमोदना करते हुए, बस जो लाभ लिया है वो सार्थक हो, सफल हो, और आप भी इस फिल्म के माध्यम से आपके बच्चों को, आपके युवाओं को, और आप स्वयं भी देख सकते हैं। चलो तो चलो मिलते हैं जल्दी से जल्दी, आपके गांव में हमारे कार्यकर्ता आएंगे, आप संपर्क में रहिएगा। तब तक के लिए जय गिरिराज, जय आदिनाथ, बोलो मरवासी महाविष्णु भगवान की जय हो, बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। शतक सिंह शतक पीर सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा की जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महा अनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 9160200063058333, IFSC कोड UTIB000268 63, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG available.